नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फारुकी और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इन दो एवरेडी की बैटरी को ले लिया है। अब ये एवरेडी के बिग सेल को ले लिया है, अब इसके ऊपर मैंने दो वायर अटैच कर दिया और इसको यहाँ से भी जोड़ दिया। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा हो तो मैंने एक पावर के साथ ट्राई किया था, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के साथ ये मैंने दो पावर को यहाँ पे जोड़ दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने नीचे से जोड़ दिया और ये वैसे भी मैंने शोल्डरिंग कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगा, फिर देखते हैं कि इसमें 220 वोल्ट का प्रवाह पसार करने के बाद क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं फटाफट से इसको इस 220 वोल्ट के एसी वोल्ट के साथ इसको छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने ये छोड़ दिए, मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि लाइट ऑन है या ऑफ है, तो मैं लाइट छोड़ के भी आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड में से प्रवाह आ रहा है 220 वोल्ट का। मैंने लाइट को छोड़ दिया, इसकी स्विच ऑन कर देता हूँ। अब जैसे देख सकते हैं कि बोर्ड में से 220 वोल्ट का प्रवाह आ रहा है, तो एसी वोल्टेज आ रहा है इसमें से। अब इस बैटरी को जोड़ कर देखते हैं कि 220 वोल्ट का प्रवाह क्या हल करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। अब मैं फटाफट से स्विच को ऑन कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने वीडियो में देखा कि मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया, ऐसे ही जो MCB आती है वो बंद हो गई, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट बढ़ने के कारण MCB पे लोड पड़ा और MCB ऑफ हो गई। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि MCB ऑफ हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में कि MCB ऑफ हो चुकी है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, जैसे देख सकते हैं ये ऑन कर देता हूँ। मैंने ये ऑन नहीं हो रही क्योंकि इसमें स्पार्क देखने को मिला। अब देखते हैं कि ये क्यों ऑन नहीं हो रही, क्या MCB बिगड़ गई। तो मैंने देखा तो MCB तो नहीं बिगड़ी है, लेकिन हम जब तक इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक MCB स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि MCB स्टार्ट होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए MCB शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए MCB को लगाया जाता है, तो MCB बिल्कुल बढ़िया काम करे। अब मैं इस स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं जाके MCB को ऑन करता हूँ, जैसे मैं ये MCB देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो जैसे देख सकते हैं कि MCB ऑन हो गई और हमारी लाइट भी ऑन हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो MCB लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब मैंने इस दो एवरेडी की बैटरी को एक साथ जोड़ दिया तो वोल्ट शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए MCB ऑफ हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट। आपके घर में MCB हो चाहे ना हो, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। इससे हो सकता है कि करंट भी लग सकता है और आपकी घर की सारी बिजली जल भी सकती है और आग लगने का भी खतरा रह सकता है। इसलिए आप इसे घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी।